44 वर्षों के बाद मिले एक साथ सभी दोस्त, मनाया पिकनिक। एक अजीबोगरीब वाकया आज देखने को मिला। जहां एक और लोग अपने नए नए दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे थे, वहीं 1978 बेंच के संत कोलंबस के दोस्तों ने मिलकर पिकनिक मनाया। पिकनिक में सभी दोस्तों ने अपनी पुरानी पुरानी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। वहीं दोस्तों के साथ उनकी धर्मपत्नी भी इस पिकनिक समारोह में शामिल हुई। सोन पिकनिक समारोह में राजकुमार सोनी, सुनील कुमार सिन्हा, अशोक खंडेलवाल, सुशील वर्मा, पीके लाल, प्रशांत प्रसाद, प्रणव झा, राजकुमार महेश्वरी, सुशील सिंह, सुनील जैन, सुरेश जैन, नरेश अग्रवाल, महेश जायसवाल, अजय सिंह, सुरेंद्र होरा, नवीन बड़ियार शामिल थे। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। 44 वर्षों के बाद ये सार्थक प्रयास और ये पहल, ऐसी सोच कहाँ से? अभी अचानक एक सप्ते पहले हम लोग एक विवाह कार्यक्रम में मिले थे, 3-4 फ्रेंड। तो उसी में हमारे सुशील वर्मा जी ने प्रपोजल दिया कि हम लोग पुराने दोस्त कुछ कुछ तो मिलते रहते हैं, लेकिन सभी एक साथ नहीं मिले हैं, और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे मिले हुए बरसों हो गए हैं। तो तुरंत हम लोग के विचार में आया, तो उसके कारण एक हम लोग ग्रुप बनाए। उस ग्रुप को बनाने में आपका भी सहयोग काफ़ी रहा, आपके सहयोग से ही हमने उस ग्रुप को बनाया। और उसके बाद फिर तत्काल हम लोग ने विचार किया कि एक बार पहले हम लोग कुछ दोस्त तो मिल लें। ऐसे तो हमारा ग्रुप और भी बड़ा है, बट अचानक हम लोग बहुत जल्दी में इतने ही मिल पाए हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग का जनवरी में, या जब भी हो भगवान की इच्छा, हम लोग चाहेंगे कि फिर बड़े ग्रुप के साथ मिले। आज तो बहुत ही लोग, कितने दोस्त शामिल हुए आज? आज हम लोग 50 टोटल 35 लोग हैं, 17 पेयर लगभग। कैसा लग रहा है, चूंकि 1978 का बैच आज एक साथ एक मंच के नीचे, क्या कुछ कहेंगे? लगभग 44 साल बाद हम लोग मिले हैं, बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। हम लोग एक दूसरे साथ मिल रहे हैं, सब परिवार सबको मिले हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है इतने साल। 78 बैच के हम लोग सब मित्र लोग बैठे हैं, संत कोलंबस कॉलेज में हम लोग एक साथ सब ग्रेजुएशन किए थे 78 बैच से। आज हम लोग अशोक खंडेलवाल के पहल के उपरांत हम लोग एक साथ मिले हैं यहाँ पर सुशील सिंह के घर के प्रांगण में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं। आज एक साथ आप लोग जुटे हैं, मिले, कितनी खुशी है मन में? बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि 78 के हमारे के बैच ग्रुप के जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम लोग सब मिलेंगे और चलेंगे, तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि उनके दोस्तों से मिलना है, जानकारी होगी। इसके पहले तो हम लोग कभी मिले भी नहीं थे, 44 साल के बाद सब मिले, सबको जाने, बहुत अच्छा लगा। हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हैं, सब भैया लोग से मिले हैं और सबकी मिसेस से। हम लोग तो कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ आके जानने के बाद लग रहा है कि हम लोग सब एक परिवार हो गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आगे भी भगवान से विनती करते रहेंगे कि ऐसे ही हम लोग मिलते रहें।